गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका बाली और आज जो मैं एक्सेसरी लेके आया हूं वो है फुटपैक्स। फुटपैक्स भाई, आपने देखा होगा कि जितनी भी क्रूजर सेगमेंट की अच्छी अच्छी बाइक्स आती हैं उनमें फुटपैक इतने इतने चौड़े होते हैं, इतने इतने चौड़े, और उनका कोई ना फंक्शन है, ठीक है। वो इसलिए चौड़े होते हैं भाई, जैसे आप इस तरह से बैठते हैं, मिट्योर में भी अब आप बैठते हैं तो इसका सिटिंग पोस्चर काफ़ी कम्फर्टेबल है, बट इसमें जो फुटपैक दिए हैं ना, फुटपैक दे दिए हैं रॉयल इनफील्ड ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, स्प्लेंडर जैसे बिल्कुल इतने पतले पतले से जो आपको स्टॉक बाइक के साथ लगे आते हैं, बट एक्सेसरी के तौर पे आपको दे दिए वही 2800 रुपये के, ठीक है। 2800 रुपये में एक पेयर देते हैं, 2800 रुपये लगता है कि यार कुछ महंगा सौदा है, ठीक है। और जो मैं फुटपैक आपके लिए लेके आया हूँ वो काफ़ी बजट में है और बाइक क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है। पहले आप फुटपैक देखो, इनकी क्वालिटी देखो कैसे हैं, आधा आधा किलो का वजन है इनका, और चौड़ाई देखो, आप अंदाज़ा लगाओ कि मेरा हाथ देखो, हाथ जितने चौड़े हैं, ठीक है। और इसकी पहले ब्लैक में भी अवेलेबल हैं और सिल्वर में भी अवेलेबल हैं। एक मैं ये वाला भी खोल के दिखाता हूँ आपको, सिल्वर वाला भी, ठीक है। और इस लगाना काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको लगाने के लिए दो स्क्रू ड्राइवर चाहिए होंगे, जिसका लॉक खोलने के लिए मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा इसको खोलने का, और प्राइस इसका मैं आगे वीडियो में जाके रिवील करूँगा, ठीक है। पहले आप क्लोज लुक से इसको देखो, इसकी क्वालिटी बजट में है बट क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं है भाई, ठीक है। आराम से देखो, इसकी क्वालिटी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक किस तरह के फुटपैक्स हैं। बजट में है बट क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया गया है। देखिए इसकी बनावट देखिए, पेंट जॉब देखिए, रबर की क्वालिटी देखिए, ठीक है। तो जब ये लगाए होंगे ना तो राइड का जो कंफर्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है, ठीक है। इसकी मैं पूरी इंस्टॉलेशन बताऊँगा आपको, ठीक है, कैसे लगाना है इसको। मैं प्रेफर कर रहा हूँ इसमें ब्लैक के साथ, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्लैक ब्लैक इंजन है, तो मेरे को ब्लैक ही जाने हैं इसके साथ, ब्लैक ही लगाना है, सिल्वर वाला मैं नहीं लगाऊंगा इसके साथ, ठीक है भाई। मैं गजब गजब की चीज़ें ढूंढ के आपके लिए लेके आता हूँ, एक लाइक और सब्सक्राइब भी मांगता हूँ, और वीडियो पूरी देखा करो, स्किप मत किया करो, फिर आपको पता नहीं लगता है कि इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आप बीच में स्किप कर देते हैं तो आपको फिर पता नहीं लगता, फिर आप कमेंट करके मैसेज करके मेरे से पूछते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो भाई इसको लगाने के लिए आपको ये देख रहा होगा ये रिंग लॉक, ये वाला ये रिंग लॉक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ऊपर उठा लेना, ठीक है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये देखो निकल गया है, पर निकल के गया कहाँ है, गिर गया भाई, ढूंढो उसको, बहुत छोटा सा लॉक है ये। मिल गया। तो इस तरह का लॉक है भाई, ठीक है, ये बाद में इसको फिर लगाएंगे, ठीक है। और बाद में इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऐसे प्रेस करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आराम से इसको निकाल लीजिए, और ये बाहर आ गया, ठीक है। और इसके साथ ये लॉक भी बाहर आ गया है, और इसको कैसे बाद में लगाना मैं आपको पूरा बताऊंगा। और इस फुट पैक को आप रख दीजिए, ठीक है, साइड में। तो ये फिट करने से पहले आपको लेफ्ट राइट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से देखिए आप, ये मेरा राइट है, मैंने पकड़ा हुआ, ये राइट वाला है, ठीक है, और ये लेफ्ट वाला है। इसकी स्लोप देखना आप, इस तरह से ये स्लोप में आएगा, एक कट है जो ये अंदर वाली साइड इस साइड आएगा, देख रहे हैं आप, ये कट देखो, स्लोप बना हुआ ना ऐसे थोड़ा, ये मुड़ेगा तो इस आसानी से मुड़ेगा, इस तरह से डिज़ाइन ये राइट के लिए किया हुआ है और ये लेफ्ट के लिए, ठीक है। इसके लगाने के लिए जो हमने निकाला था बीच में से बोल्ट और स्प्रिंग, और पहले आप इस तरह से इसको प्लेस कर दीजिए, ठीक है, अलाइन करके सुराख के साथ, और ये ऊपर से डालना है, ठीक है, पूरा नहीं घुसा देना, थोड़ा सा रख के इसको, ताकि हम बाद में इसको स्प्रिंग भी इसका लगा सकें। और ये स्प्रिंग का ध्यान रखना है, ये छोटा सिरा है ना, जो ये वाला छोटा सिरा, ये इस सुराख में अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा सुराख के अंदर, इस तरह से ये सुराख के अंदर डाल दिया, और ऊपर से मैं ये रॉड भी डाल दूंगा इसके अंदर। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेस करना पड़ेगा दूसरे हाथ से भी, यस, इस तरह से देखिए। और अभी जो हमने लॉक निकाला था, ये छोटा सा लॉक, ठीक है, रिंग लॉक, इसको लगा देंगे इसे नीचे। तो अभी देखो ये रिंग है, रिंग लॉक, इसका नीचे ग्रूव्स बना हुआ है, जब इसको प्रेस करेंगे तो खुद ही उधर लॉक हो जाएगी, हिलेगा नहीं कहीं भी। ये देखिए ये अपनी एक जगह में आ गया, अभी अभी कहीं भी जाने वाला नहीं है। ये देखिए अपना स्प्रिंग भी काम कर रहा है। तो हाउ इट लुक्स, वाओ मेरे भाई मेरे भाई, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है छोड़ी हुई क्वालिटी में, ठीक है, और ये काफ़ी बजट में है। तो भाई इसी तरह से दूसरा लगाना है,
ठीक है, दूसरा लगाते हैं। तो ये भी उसी तरह से, ये अपना रॉड और एक स्प्रिंग, ठीक है, इसको ऐसे प्लेस कर दीजिए पहले, ऊपर से थोड़ा अंदर डालना है, और फिर ये स्प्रिंग है जो ये अंदर उसके सुराख में जाएगा, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर से जो रॉड है इसके अंदर से निकले, हमारी जो स्प्रिंग है इसके अंदर से जानी चाहिए, तब ये काम करेगा स्प्रिंग। यस, यस। तो देखिए दोनों फुटपैक्स लग चुके हैं भाई, दोनों फुटपैक लग चुके हैं। और आप ये फुटपैक्स पीछे वाले पिलियन के भी लगा सकते हो, क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ मोस्टली, तो मैं पिलियन के नहीं लगवा रहा हूँ। अगर आपने पिलियन के भी लगाने हैं तो आप पिलियन के भी के लिए भी लगा सकते हो, क्योंकि पिलियन का कंफर्ट भी मैटर करता है अगर आप पिलियन के साथ चलते हैं तो, ठीक है। और एक बार मैं बैठ के देखता हूँ पहले से और अब का कितना फ़र्क है। मोहन भाई दिखाना एक बार, आगे से दिखाओ, इधर से। वाह, मैं कि फुट ऐसे लगा, ऐसे लग रहा है मेरे को जैसे कि ना अभी मेरे को पहले बैलेंस करना पड़ता था, ठीक है। फुट पतला था तो उसमें बैलेंस करना पड़ रहा है कि मेरे को ऊपर करना है नीचे करना, अभी रखना है। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपने फुट रख दिया कहीं फ्लैट सरफेस के ऊपर, पहले एक रॉड जैसा था जिसके ऊपर फुट रखना था, और अभी है कि जैसे आपने अपने पैर को एक फ्लैट जगह के ऊपर रख दिया है, तो इतना डिफरेंस है भाई। इसीलिए क्रूज़र बाइक की जितनी भी सेगमेंट, क्रूज़र सेगमेंट की जितनी बाइक्स हैं उनमें चौड़े फुटपैक्स आते हैं, ठीक है। और इसीलिए रॉयल इनफील्ड ने भी चौड़े फुटपैक्स लाए हैं, क्योंकि ये ज़रूरी हैं, बट वो कॉस्टली हैं। और ये हैं सिर्फ 999 के, 999 के हैं। अगर आपने ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वहाँ जाके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। COD अवेलेबल है, आपको शिपिंग फ्री है, सिर्फ 999 में। आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्डर कर सकते हैं। अंडमान निकोबार, नेपाल हमारे ऑर्डर जाते हैं, तो आप भाइयों का प्यार है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, अगर चैनल पर नए होते हो तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी अच्छी एक्सेसरीज मैं लेके आगे भी आता रहूँगा। तो अभी के लिए शब्बा खैर, मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।